subscribe Dakota Solutions YouTube channel and press the bell icon for latest technology videos. So hello decoders, welcome to Decoder Solutions. दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे वेबिनार्स सेमिनार्स के लिए सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो गूगल फॉर्म्स की हेल्प से. तो दोस्तों सिमिलरली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे गूगल एग्जामिनेशन जो कि आजकल ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन ली जाती है गूगल फॉर्म्स के थ्रू, उसके लिए ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट कैसे जनरेट कर सकते हो ताकि जब कोई वो एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करे तो उसको अगर वो एग्जाम पास होता है तो उसे इमीडिएटली सर्टिफिकेट उसके मेल पे सेंड हो जाए. तो दोस्तों इस प्रोसीजर को कंप्लीट समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है. अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो आपको ये प्रोसीजर प्रॉपरली समझ में आ जाएगी. तो दोस्तों वीडियो पूरी देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं. तो दोस्तों सिमिलरली जैसा मैंने आपको कल कहा था कि आपको एक ईमेल आईडी चूज करनी है जिस पे आप एग्जामिनेशन या फिर वेबिनार टेक करने वाले हो. तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको जिस ईमेल आईडी पे एग्जामिनेशन लेनी है यानी कि जिस ईमेल आईडी के हेल्प से आपको गूगल फॉर्म बनाना है वो आपको यहाँ पे चूज करनी है. और उसे चूज करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव में आना है. यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया है गूगल एग्जाम के नाम का, तो इस पे मैंने एक सर्टिफिकेट तैयार करके रखा है. तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट कैसे तैयार करते हैं इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी एक वीडियो प्रोसीजर बताने वाला हूँ, वीडियो लाने वाला हूँ आपके लिए जो कि कल आएगी. तो दोस्तों वीडियो देखना, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. तो दोस्तों यहाँ पे ये जो एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट होते हैं ये कोई ऐसे टेम्पलेट नहीं होते दोस्तों. यहाँ पे ये होती है PNG इमेज फाइल्स जो कि हम एक बनाते हैं इमेज और उसके ऊपर हम हमारा डेटा सेट करते हैं. तो दोस्तों सिमिलरली मैंने यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट बना लिया है. ये देख सकते हो आप ये वाला एक सर्टिफिकेट जो अभी आप यहाँ पे देख पाओगे. और यहाँ पे आपको इस सर्टिफिकेट को कस्टमाइज करके आपके एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना होता है. तो दोस्तों यहाँ पे हमने सर्टिफिकेट तो बना लिया है, अभी हमारा काम है कि हमें गूगल एग्जामिनेशन बनानी है यानी कि एग्जाम बनानी है. तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे न्यू का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है. और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल फॉर्म्स, आपको इस पर क्लिक करना है. इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इंटरफेस आ जाएगा जो कि ये है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें एग्जामिनेशन अगर बनानी है तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, पहले तो हमें जो एग्जाम अटेम्प्ट करने वाला है उससे उसका नाम और उसकी ईमेल आईडी ले ली है क्योंकि दोस्तों नाम जिस पे हम सर्टिफिकेट बनाएंगे और ईमेल आईडी जिस पे हम सर्टिफिकेट भेजेंगे. तो यहाँ पे पहले तो हम उसका ईमेल आईडी ले लेते हैं. तो यहाँ पे ईमेल आईडी लेने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो ईमेल. और ईमेल आईडी टाइप करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो ये गूगल ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर देता है. और रिकॉग्नाइज करने के बाद आप यहाँ पे इनेबल ईमेल कलेक्शन सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिए. और यहाँ से एक सेटिंग्स इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके और एक क्वेश्चन ऐड करना है जो कि होगा नाम के लिए. तो दोस्तों यहाँ पे आपको नेम टाइप करना है जहाँ से वो नेम चूज करेगा. और यहाँ पे दोस्तों आप इन दोनों चीज़ों को भी रिक्वायर सेट करोगे बाद में. दोस्तों यहाँ पे हमने अभी ईमेल एड्रेस और जो नेम है इसके लिए हमने टेक्स्ट फील्ड बना लिए है. बाद में दोस्तों आपको यहाँ से एक डिवीजन दे देनी है एड सेक्शन. और सेक्शन देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर सेक्शन. तो दोस्तों ये जो होता है कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन आपको यही रहने देना है, आपको कुछ नहीं करना है. यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ऊपर जो है वो ये है अभी एग्जामिनेशन का डेटा कलेक्शन. तो दोस्तों यहाँ पे पहले तो हम टाइप करेंगे एग्जाम जो कि हमारी कोई भी एक रैंडम एग्जाम होगी. और बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शंस डेटा कलेक्शन जो आपको देना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने टाइप किया डेटा कलेक्शन और बाद में यहाँ पे ईमेल एड्रेस और नेम. ये दो चीज़ें लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेक्शन टू होता है जहाँ पे हमारी रहेगी एग्जाम. तो यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम स्टार्ट हियर. और यहाँ पे अगर आपको कोई रूल्स देने हैं एग्जामिनेशन के लिए तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो. बाद में दोस्तों अभी आपको एक सेटिंग करनी है जहाँ पे आप ये सेटिंग का जो आइकन दिख रहे हैं आपको इस पर क्लिक करना. और इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो तीन टैब्स मिलते हैं ऊपर. यहाँ से आपको पहले तो इस पर आपको क्लिक करके लेना है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस. और इसे कलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से क्विज पे क्लिक करना है. और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेक दिस क्विज को इनेबल कर देना है, मेक दिस क्विज को. और बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है वो रिस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चंस करेक्ट आंसर्स पॉइंट वैल्यूज. तो दोस्तों अगर आपको इसे इनेबल रहना है तो इनेबल रहने दो या फिर आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो. बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना है. और सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जब आप अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करोगे तो उसके लिए आप यहाँ पे आंसर्स और क्वेश्चन सेट करवाओगे. तो दोस्तों ये कैसे सेट करना है, तो यहाँ पे आपको इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप क्वेश्चन ऐड कर दीजिए. तो दोस्तों पहले आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन का फील्ड है, तो यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन टाइप कर दीजिए. जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ व्हाट इज डिकोडर सॉल्यूशंस. और ये टाइप करने के बाद दोस्तों अभी आपको इसके ऑप्शन सेट करने हैं. तो यहाँ पे आपके मन से कुछ भी ऑप्शन सेट करते हैं. तो हम यहाँ पे पहले ऑप्शन सेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमने चार ऑप्शन सेट कर दिए हैं.
अभी दोस्तों आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन कौन सा और इसके लिए कितना मार्क्स रहेगा ये सेट करना है। तो इसे सेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर की का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पॉइंट्स कितने देने हैं। तो हम यहाँ पे देना चाहते हैं 1 पॉइंट, तो यहाँ पे हमने पॉइंट सेट कर दिया। और इसमें करेक्ट आंसर अगर आपको चूज़ करना है तो आपको यहाँ से जो करेक्ट आंसर है उस पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया है और ये हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पे डन पे क्लिक कर दीजिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन सेट हो चुका है। अगर आपको इस क्वेश्चन को रैंडम या फिर शफल करना है तो आप यहाँ से जो ये 3 लाइन का एक ऑप्शन दिख रहे होंगे, 3 डॉट्स का, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से शफल ऑप्शन ऑर्डर करूँगा, यानी कि दोस्तों जब भी कोई यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम करेगा तो जो ऑप्शन होते हैं तो वो शफल होते जाएंगे, जिससे कि दोस्तों कॉपी करना या फिर चीटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बाद में हमने हमारा क्वेश्चन ऐड कर दिया है, तो सिमिलरली मैं आपको यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ, बाद में आगे की प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन सेट किए हैं, जहाँ पे पहला हमने सेट किया व्हाट इज डिकोडर सॉल्यूशंस और दूसरा किया व्हाट इज जावा, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि OOP POP होती है वो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये सेट किया, अभी हमें तैयार करना है सर्टिफिकेट। तो दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट तैयार करने के लिए पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले तो रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक बार आपको आपकी रिस्पॉन्सेज पे जो आप डेटा कलेक्ट करने वाले हो उसकी शीट तैयार कर लेनी है। तो दोस्तों इसके लिए आप रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करोगे और बाद में यहाँ पे जो ग्रीन बटन दिख रहा है क्रिएट स्प्रेडशीट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप आपकी रिस्पॉन्स शीट या फिर स्प्रेडशीट को कोई भी एक नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ रिजल्ट, और ये नाम देने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दो, जिससे कि दोस्तों ये स्प्रेडशीट अभी तैयार हो जाएगी। और स्प्रेडशीट अभी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओपन हो रही है। फिर आपको यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाइम स्टैम्प, ईमेल एड्रेस, कोर नेम, व्हाट इज डिकोडर सॉल्यूशंस, व्हाट इज जावा, ये सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। बाद में दोस्तों आपको दोबारा जाना है आपके फॉर्म में, और फॉर्म में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये 3 लाइन्स का जो कोड है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे आपको एडवांस पे क्लिक करना है, और एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्लगइन डाउनलोड करना है, एक एडऑन डाउनलोड करना है जिसका नाम है certify.em। जो certify.em जो प्लगइन है दोस्तों वो आपको हेल्प करेगा सर्टिफिकेट तैयार करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो certify.em, इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसे ओपन करना पड़ेगा। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल का एक ऑप्शन आएगा, जहाँ से आप इंस्टॉल करोगे, और इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों आपसे एक ईमेल आईडी पूछी जाएगी जो कि आप अलाउ करोगे, जो आप गूगल फॉर्म के साथ लिंक करने वाले हो उसको, और उसे अलाउ करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसे पहले ही इंस्टॉल कर लिया है। तो दोस्तों इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको क्वेश्चंस पे आना है दोबारा, और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस का एक ऑप्शन दिखेगा जो कि पहले नहीं होगा, पर जब आप उसे इंस्टॉल करोगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो certify.em, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, दोस्तों ये कभी कभी होता है, तो मैं पहले तो इसे अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लेता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों अभी मैंने एड ऑन दोबारा से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लिया है। अभी जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो certify.em, और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप ये वाले ऑप्शंस देख पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको शो certify.em कंट्रोल्स पे क्लिक करना है, और इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोड होना है। तो दोस्तों इसे लोड होने दो, और होने के बाद आप ये प्रोसीजर देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये लोड हो चुका है दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन को ऑन करना है। पहले तो आप देख सकते हो स्टेटस, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टर्न ऑन पे क्लिक करके इसे टर्न ऑन कर देना है। ये कुछ टाइम लेगा और ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये टर्न ऑन हो चुका है। बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको पासिंग कितनी रखनी है वो यहाँ पे डिसाइड करना है। तो यहाँ पे मैं 50-50 पासिंग रखता हूँ, अगर 50 के नीचे अगर स्कोर हुआ तो उसे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, पर अगर उसे 50 के अबव स्कोर हुआ तो वो सर्टिफिकेट के लिए अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों बाद में यहाँ पे पासिंग सेट करने के बाद आपको यहाँ पे टेम्पलेट चूज़ करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट मिलते हैं, पर दोस्तों यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कस्टम टेम्पलेट। तो कस्टम टेम्पलेट चूज़ करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे गोल्डन पे क्लिक करना है, जो ये टेम्पलेट दिख रहा है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूज़ अ कस्टम टेम्पलेट, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पहले तो टेम्पलेट चूज़ करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पहले तो टेम्पलेट बनाना पड़ेगा इसके लिए, जो कि हम गूगल के जो स्लाइड शीट होती है उससे बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहले तो आपको आपकी ड्राइव में आना है, और ड्राइव में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों गूगल स्लाइड जो होता है इसे आपको यहाँ से चूज़ करना है, और चूज़ करने के बाद ये ऐसे कुछ ओपन होगा। दोस्तों यहाँ पे पहले तो आपको जो प्री डिफाइंड टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह मिलते हैं इसे आपको यहाँ से डिलीट कर देना है, और इसे डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे इमेज या फिर आप बैकग्राउंड चूज़ करना चाहते हो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे कहता हूँ कि आप यहाँ पे इमेज इंसर्ट करने के बजाय बैकग्राउंड चूज़ कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पे क्लिक कर देता हूँ। बैकग्राउंड में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कलर या फिर इमेज
कुछ भी चूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इमेज चूज करने वाले हैं क्योंकि हमें सर्टिफिकेट तैयार करना है। तो यहाँ पे क्लिक ब्राउज एंड इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इमेज ड्राइव में है या फिर आपकी फाइल में है कहाँ पे है उसे वहाँ से चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे गूगल ड्राइव से उस इमेज को पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपने जो जहाँ पे आपकी इमेज स्टोर की है वहाँ से आपको उसे चूज़ करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इस इमेज को चूज़ कर लिया और इसे इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ जिससे कि अभी इंसर्ट हो जाएगी। और दोस्तों बाद में यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। और डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुकी है आपके स्लाइड के साइज से। तो दोस्तों यहाँ पे ये एडजस्ट होने के बाद प्रॉपरली आपको यहाँ पे अभी कस्टमाइज़ करना है जहाँ पे आपका नेम और जो स्कोर होगा वो कहाँ पे आएगा, बाद में सर्टिफिकेट की आईडी और डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशू दोस्तों ये कहाँ पे आएगा। तो आपको इसके लिए डेटा मैप करना होता है जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था जहाँ पे हमने सेमिनार वेबिनार के लिए डेटा मैप किया था। तो दोस्तों इससे थोड़ी प्रोसीजर अलग है, वो प्रोसीजर अलग थी, ये प्रोसीजर थोड़ी अलग है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपको पहले तो नाम लेना है, आपका नेम लेना है जो बंदा इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे पहले तो इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जहाँ पे आपकी फील्ड है वहाँ पे आपको इसे प्रॉपरली ऐसे स्क्रॉल कर लेना है। और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है, बाद में दोस्तों आपको यहाँ से प्रॉपरली पोजीशन करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स को प्रॉपरली पोजीशन कर दिया है। अभी आपको यहाँ पे नेम के जो फील्ड बनानी है तो वो कैसे बनानी है, तो दोस्तों इसके लिए पहले तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद लास्ट वाले वीडियो में हमने जो नेम के लिए फील्ड बनाई थी उसके लिए हमने ये वाले एरोज और ये वाले एरोज यूज़ किए थे, पर दोस्तों आज हम यूज़ करने वाले कर्ली ब्रेसेस, जो कि ये वाले कर्ली ब्रेसेस और ये वाले कर्ली ब्रेसेस हम यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों इसे कैसे बनाना है, तो आपको क्या करना है, पहले तो ये वाले कर्ली ब्रेसेस देने हैं और बाद में दोस्तों इसके लिए आपको जैसा कि हमने कल वाले वीडियो में बताया था कि उसके लिए जो डेटा मैप करने की प्रोसीजर थी वो अलग थी, इसमें अलग है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक टेम्पलेट देखना पड़ेगा, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों ये वाला वो टेम्पलेट है जहाँ पे कुछ आपको टैग्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको आपके जो आइडेंटिफायर्स रहते हैं जो कि आपको यूज़ करने होते हैं उससे रिलेटेड वो टैग्स होते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें यूज़ करना है फर्स्ट फुल नेम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ये फुल नेम वाला टैग, बाद में इसके लिए क्या मतलब डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे फुल नेम अगर चाहिए तो आपको ये वाला टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं फुल नेम और ये वाला टैग यूज़ करने के बाद आपको यहाँ से इसे प्रॉपरली सेंटर में अलाइन करना है जिससे कि जब भी कोई अटेंड करेगा तो उसका जो नाम है वो यहाँ पे सेंटर पे आ जाएगा। तो इसे मैं सिलेक्ट करके यहाँ से इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा नाम जो है वो अभी सेंटर पे आ चुका है, अभी हमें इसका स्कोर देना है। तो स्कोर देने के लिए दोस्तों क्या करना है, आपको सिमिलरली पहले तो टेक्स्ट बॉक्स लेके यहाँ से इसे इंपोर्ट कर लेना है, इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से इंसर्ट करना है और टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के बाद आपको एक प्रोसीजर करनी है। तो क्या करना है, आपने पहले तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंपोर्ट कर लिया है और टेक्स्ट बॉक्स इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ से certified.em पे क्लिक करना है और यहाँ पे परसेंटेज के लिए दोस्तों आपके पास ये वाला टैग है परसेंट, तो आपको इसे यूज़ करना है। तो मैं पहले तो इसे यूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने परसेंट को अलाइन कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ से ये जो थोड़ा नीचे दिख रहा है तो आप यहाँ से इसे प्रॉपरली अलाइन कर सकते हो आपके हिसाब से। अभी हमने यहाँ पे फुल नेम और परसेंट को प्रॉपरली अलाइन कर दिया है, बाद में दोस्तों यहाँ पे हमें अभी इंसर्ट करना है सर्टिफिकेट का आईडी और डेट ऑफ इशू। तो दोस्तों इसे इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको देखना है क्या क्या आपके लिए यहाँ पे टैग्स है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो डेट के लिए है यहाँ पे डेट और सर्टिफिकेट के नंबर के लिए है यहाँ पे सर्टिफिकेट आईडी। तो आप ये टैग्स आपके सर्टिफिकेट के लिए आपको जहाँ पे यूज़ करने वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पहले तो इन टैग्स को यूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे डेट और सर्टिफिकेट आईडी प्रॉपरली अलाइन कर दिया है। अब आप यहाँ पे इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हो। तो दोस्तों इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है, इसे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपके सामने कुछ टैग्स फॉन्ट्स वगैरह वगैरह ऑप्शंस आ चुके हैं। तो आपको यहाँ से अगर कलर चूज़ करना है तो आप यहाँ से कलर चूज़ कर दीजिए और बाद में दोस्तों अगर आपका इसका फॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर दीजिए जिससे कि ये प्रॉपरली आपके सर्टिफिकेट के लिए और अच्छे से सूट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पहले तो इन सबको चेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फॉन्ट सब कुछ यहाँ पे प्रॉपरली चेंज कर दिया है, बाद में दोस्तों आपको यहाँ से सेव नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो दोस्तों जब आपने इतना सब कुछ बना लिया है तो आपको यहाँ से दोबारा जाना है गूगल फॉर्म में, और गूगल फॉर्म में जाने के बाद दोस्तों यहाँ तक हम आ चुके थे जहाँ पे हमें टेम्पलेट चूज़ करना था। तो हम यहाँ से सिलेक्ट न्यू फाइल पर क्लिक कर लेंगे और सिलेक्ट न्यू फाइल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपको आपकी ड्राइव में ले जाएगा जहाँ से आपको इसे चूज़ करना है। तो ये है हमारी ड्राइव। तो दोस्तों यहाँ से आपको जहाँ से चूज़ करना है वहाँ से आप इसे चूज़ कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे मैं पहले तो इसे चूज़ कर लेता हूँ और इसे चूज़ करने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट पे क्लिक करना है और सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो अनटाइटल प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो इंपोर्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करके इसे सेव करना है।
तो दोस्तों हमने यहाँ से इसे सेव कर दिया है, और सेव करने के बाद दोस्तों दैट्स इट, आपने आपकी सारी प्रोसीजर प्रॉपरली कंप्लीट कर दी है, और यहाँ पे आप एक दिन में 100 ईमेल्स ऑटोमेटिकली सेंड करवाओगे। अगर आपके एग्ज़ाम अटेम्प्टर्स जो आपकी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने वाले हैं वो अगर 100 से ज़्यादा है तो उनको दूसरे दिन सर्टिफिकेट चले जाएंगे, और जो 100 लोग सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे उनको इमीजिएटली सर्टिफिकेट सेंड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम टेक करके लेते हैं, एक एग्ज़ाम लेके देखते हैं, जहाँ पे ट्राई करते हैं कि क्या हमें सर्टिफिकेट प्रॉपरली आता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको इसकी लिंक चाहिए होगी, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सेंड वाले बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप इस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से इस URL को शॉर्ट कर सकते हो, और शॉर्ट करने के बाद आप यहाँ से इसे कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ से न्यू टैब पे क्लिक करके उस एग्ज़ाम को ओपन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इस एग्ज़ाम को ओपन कर लेते हैं, और एग्ज़ाम को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रॉपरली तैयार हो चुकी है। यहाँ पे आपको आपका ईमेल एड्रेस और नेम फिल करना है, तो मैं यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस और नेम फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस और नेम फिल कर दिया है, बाद में यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डिकोडर सॉल्यूशंस जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो यहाँ पे मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले तो यूट्यूब चैनल और OOP सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे ऑप्शंस थे, और यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, जिससे कि दोस्तों हमारी एग्ज़ाम प्रॉपरली सबमिट हो चुकी है। अगर आपको यहाँ से स्कोर देखना है तो आप यहाँ से व्यू स्कोर करके स्कोर देख सकते हो। और दोस्तों अभी आपका सर्टिफिकेट आपके ईमेल पे सक्सेसफुली जा चुका होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों टोटल पॉइंट्स 2 out of 2। और दोस्तों अभी हम हमारा सर्टिफिकेट आया कि नहीं ये देखते हैं, तो इसके लिए मैं मेरे जीमेल पे जाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रॉपरली रिसीव हो चुका है। कांग्रेस डिकोडर सॉल्यूशंस, यू पास योर सर्टिफिकेट अटैच टू दिस ईमेल, यू कैन डाउनलोड एंड प्रिंट। तो ये हमारा सर्टिफिकेट यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है, तो मैं इसे ओपन करके देखता हूँ कि क्या ये प्रॉपरली अरेंज हो चुका है, आ चुका है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों डिकोडर सॉल्यूशंस जो कि अवार्डेड सर्टिफिकेट है, और बाद में यहाँ पे स्कोर जहाँ पे हमने 100% स्कोर किया है, सर्टिफिकेट ID, डेट, ये सब कुछ दोस्तों आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिल चुका है। तो दोस्तों बस इसी तरह आप भी आपके लिए एग्जामिनेशंस के लिए सर्टिफिकेट बहुत अच्छे से जनरेट कर सकते हो, और दोस्तों आप आपका एग्जामिनेशन और अच्छे से प्रोफेशनल लुक के साथ बना सकते हो। तो दोस्तों बस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी वीडियो के लिए सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट में जरूर दे सकते हो। अगर आपने अभी तक डिकोडर सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कॉन्टेंट, स्टे होम।